राष्ट्र प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रतिष्ठित महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन से देश भर की अनेक खेल संस्थाएं खेल स्पर्धाओं को शुरू करती हैं। अब स्कूलों में भी खेलों का महोत्सव शुरू हो चुका है। जीआईएस के खिलाड़ी विद्यार्थी भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको विदित है कि जब जब जीआईएस के खिलाड़ियों ने खेल के मैदान पर दम भरा है, तब तक उन्होंने हर चुनौती को सफलता में बदला है। जीआईएस की प्रतिभाओं ने ब्लॉक स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी जीत का परचम फहराया है। जीआईएस की प्रतिभाओं ने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, स्केटिंग व एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर तक व अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। आज मैं आप सभी के बीच हाल ही में संपन्न हुई एक खेल स्पर्धा में जीआईएस की प्रतिभा की विजयी यात्रा को आपके समक्ष रख रहा हूं। पिलानी में आयोजित एनएस एकेडमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले एक एथलेटिक्स स्पर्धा आयोजित हुई थी। 29, 30 और 31 अगस्त तक यह प्रतियोगिता चली। इस प्रतियोगिता में जीआईएस के छात्र गुलशन डूडी ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लिया था। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि छात्र ने यह 100 मीटर दौड़ 11.78 सेकंड में पार कर राजस्थान स्तर पर रजत पदक प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करता हूं छात्र का। 1 सेकंड के कुछ ही हिस्से के अंतर से मात मिली और जिससे मात मिली वह छात्र बीए पार्ट ऑफ सेकंड का था और साथ ही साथ आपको यह सूचित कर दूं कि वह एक सेना का जवान था। एक सेना के जवान 11.78 सेकंड में यह दौड़ पार कर सका और जो छात्र विजयी रहा वह 11.52 सेकंड में इस दौड़ को जीतने में सफल रहा। इससे पहले जीआईएस की इस प्रतिभा ने जिला स्टेडियम झुंझुनू में आयोजित स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, राज्य स्तर की स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता था और राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में यह टॉप 10 एथलेटिक्स खिलाड़ियों में शामिल रहा था। खिलाड़ी की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मैं कहूंगा कि गुलों में गुलशन और बागों में बहार, गुलों में गुलशन और बागों में बहार, जीत रूपी अश्व पर रहता है सवार। जीआईएस के खेल रूपी गुलशन का है यह श्रृंगार, इस अनुपम विजय पर विद्यालय इसका स्वागत करने को है तैयार। विद्यालय प्राचार्य श्रीमान रोहिताश्वर डोरी ने छात्र को अपने कर कमलों से सम्मानित किया।